नमस्कार। आज हमारे साथ दो विशेष अतिथि हमारे साथ बैठे हैं, एंड ही इज मिस्टर के चतुर्वेदी एंड मिसेस चतुर्वेदी, और आई एम डॉक्टर संदीप जैन, जीआई सर्जन। और आज के मीटिंग का हमारा जो मकसद है, जो एम है, वो ये है कि किस तरीके से अगर कैंसर, भगवान ना करे, किसी की लाइफ में आ जाए, तो उसको कैसे हम डील कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के दूसरे एस्पेक्ट्स को लेके भी। तो हम चतुर्वेदी जी से और उनकी वाइफ से यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है इस छोटे से टॉक शो में। और आप ये बताइए कि आप कैंसर होने से कब की बात है, जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुई और जब आपका डायग्नोसिस हुआ, वो थोड़ा प्रोसेस हमें समझाइए। फरवरी 2016 में 6 फरवरी को सुबह उठ के बाथरूम गया, बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद मैं फोर्टिस हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने चेकअप किया तो सब जितने टेस्ट हो सकते थे हार्ट के, उन्होंने किए अपने हिसाब से। इसके बाद में कहीं कुछ नहीं मिला। बाद में लेटिंग चेक किया तो उसमें कुछ ब्लड था, उससे फिर उन्होंने एंडोस्कोपी की। एंडोस्कोपी में अंदर इन्फेक्शन आया, तो पहले बताया कि इसमें आपके अल्सर है, तो अल्सर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन उसका मेरा हीमोग्लोबिन 5.8 रह गया। अच्छा। तो एक डॉक्टर शर्मा थे, उन्होंने फिर ऑपरेशन की सलाह दी। तो आपसे डॉक्टर से मिले, आपने फिर ऑपरेशन की सलाह दी। तो ये बात 2016 की है, जब आपको पहली बार प्रॉब्लम हुई, और जैसा कि आपने बताया कि चक्कर खा के गिर गए, तो शायद एनीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से गिरे होंगे, और टेस्ट में पता चला कि स्टमक, पेट यानी कि स्टमक में कैंसर है, और फिर आपको हमारे पास भेजा गया है, इसका इलाज कराइए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ मिस्टर चतुर्वेदी व्हेन ही एनकाउंटर्ड कैंसर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2016। And actually, this was the time when he was diagnosed with this disease. We were not aware, he was not aware that cancer is, you know, growing up in his body. So we operated upon him with a major surgery, जिसको कि हम हमारी medical terms में बोलते हैं radical gastrectomy. ये हमने open तरीके से किया था। और तो अब चतुर्वेदी जी से मैं पूछना चाहूँगा कि ये operation में आपको कितना समय लगा hospital में, अगर किसी याद है तो बताइए। 9 तारीख को फिर एडमिट किया था हमको ऑपरेशन के लिए, और 27 फरवरी को डिस्चार्ज किया था। अच्छा, तो 9 से 27, तो लगभग 15-20 दिन आपको हमें रखा, तो 18 दिन यही इस बात को दिखाता है कि कितना मेजर ऑपरेशन था। जब आपकी छुट्टी हुई, तब आप नॉर्मल सारे काम काज कर पा रहे थे, या बेड रिडन थे, या बेड रिडन था, मेरे पाइप भी लगे हुए थे, फूड पाइप भी लगा था, यूरिन का पाइप भी लगा था। नहीं नहीं, जब छुट्टी दी हमने, और आप चल फिर पा रहे थे, और खाना पीना अलाउ कर दिया था, मुंह से खाना हमने अलाउ कर दिया। तो इस द मैसेज इज दैट इवन दो ही हैड अ कैंसर ऑफ द स्टमक, व्हिच वाज अ सीरियस डिजीज एंड हैड अंडरगॉन अ मेजर सर्जरी, दैट इज रेडिकल गैस्ट्रेक्टमी, but within the span of 15 to 20 days he was absolutely normal, in the sense that he was doing his normal activities and was on normal diet, although he had a tube called feeding tube which was removed 7 days later. To operation ke baad jab aap theek ho gaye, jab humne aapke stitches bhi nikal diye 7 din baad, pipe bhi nikal diye, uske baad kya aapko chemotherapy ki zarurat padi thi? Okay, aapne Mahavir Hospital Dr. Lalit Kumar Sharma hai, उनको रेफर किया कि आपको एडिशनल मेडिसिन देनी होगी, और मेडिकेशन का वही स्पेशलिस्ट हैं, तो वही डिसाइड करेंगे। उनके पास गए तो उन्होंने, वेट मेरा 48 kg रह गया था, तो उन्होंने कहा मैं इस स्टेज में हम कीमो तो नहीं कर सकते, वेट बहुत कम है, थोड़ा वेट करेंगे। काफ़ी समय उन्होंने वेट किया, फिर आखिर टेस्ट लेने पर राजी हुए, इस दौरान आपको कोई मेजर दिक्कत आई कीमोथेरेपी की वजह से? असल में मैं तो जूस लेता था, नीम गिलो एलोवेरा जूस लेता था, खुद ही बना के लेता था, तो कोई दिक्कत नहीं आई।
कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ आपको? नहीं, मैं तो अपना सब काम भी खुद करता था। और 6 महीने कीमोथेरेपी कंप्लीट लेके भी आप नॉर्मल ही रहे? हाँ। सो दिस इज फ्रेंड्स अगेन अ सेकंड मैसेज व्हिच वी वांट टू गिव यू इज दैट कीमोथेरेपी, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एसोसिएटेड विद दिस कीमोथेरेपी थिंग, दैट कीमोथेरेपी इज वेरी टॉक्सिक, रिजल्ट्स इनटू वेरी सीरियस साइड इफेक्ट्स, मरीजों को इतने सर तकलीफें होती हैं कि वो झेल नहीं पाते या जान का खतरा हो जाता है। ऐसा मेजॉरिटी केसेस में नहीं होता, जैसा कि आपने सुना चतुर्वेदी जी से, इन्होंने 6 महीने का पूरा कीमोथेरेपी का कोर्स लिया बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के, और उसके बाद भी इनको कोई मेजर दिक्कत नहीं हुई। तो उसके बाद से आपका अब तक क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? क्या हम आपको कोई टेस्ट होते हैं रेगुलर इंटरवल पे या कुछ? हाँ, पहले 3-3 महीने पे होते थे सीबीसी, एक्सरे और एलएफटी और एलएफटी और सोनोग्राफी। हाँ। 3-3 महीने से पहले 3-3 महीने पे, 6-6 महीने पे, 1-1 साल पे हुए। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमें ये तीसरा एस्पेक्ट है कैंसर ट्रीटमेंट का, फॉलोअप का मतलब है कि हम हर कुछ महीने में कुछ टेस्ट कराते हैं। पहले 2 साल हम हर 3rd महीने मरीज को बुला के कुछ टेस्ट कराते हैं। मकसद ये होता है कि अगर बीमारी दोबारा तो नहीं हो रही, और अगर दोबारा हो रही है तो फटाफट पता चल जाए जिससे उसका इलाज हो पाए। पहले 2 साल ये 3-3 महीने से करते हैं, उसके अगले 2 साल ये 6-6 महीने से करते हैं, और 5 साल के बाद ये एनुअल करते हैं। क्योंकि इनका ऑपरेशन 2016 में हुआ था तो अब ये 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब ये साल में एक बार हम इनको बुलाते हैं फॉलोअप चेकअप के लिए। अभी तक हमने जितने भी फॉलोअप चेकअप किए हैं, 5 साल से ऊपर हो गए, इनकी बॉडी में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कोई कैंसर की बीमारी का लक्षण इनके शरीर में नहीं है। सो ये तो एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेटिंग केस है कि कैंसर कैसे हुआ, कैसे पकड़ में आया और कैसे उसका इलाज हुआ। अब हम कुछ इस तरह की बातें करेंगे जो कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कुछ सोशल इफेक्ट्स, कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो मिसेस चतुर्वेदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपको जब पहली बार पता चला कि हस्बैंड को कैंसर हो गया, तो आपको मतलब आपने उसको कैसे लिया? क्या आपके मन में ये धारणा थी कि कैंसर है तो कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा, या आपको एक डर था कि नहीं कैंसर जैसे आम हम देखने को मिलता है कि कैंसर तो मतलब डेथ वारंट है, कुछ नहीं हो सकता? आपका क्या सोच थी उस समय? डॉक्टर, मेरा मतलब ऐसा था कि मेरे ब्रदर ने ऑपरेशन से 2 दिन पहले मुझे बताया था कि जिया जी को ये प्रॉब्लम है, तो एकदम मैं शॉक्ड हुई। तो मन के ऐसा कैसा हो सकता है? फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि आप हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, संभालने वाले आप ही हैं। फिर जब इनका ट्रीटमेंट चला, फिर डॉक्टर वो आपके संपर्क में आए, तो फिर तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए कि हम सही जगह पे पहुंच गए हैं। और बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब ने मतलब ट्रीटमेंट तो के इमोशनली काफ़ी हम लोग को किया, तो मतलब मैं आपके डॉक्टर साहब बहुत आभारी हूँ। नहीं, वो कोई बात। तो कहने का मतलब ये है, देखिए ये एक कपल है हमारे साथ, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और विल पावर स्ट्रांग वाले कपल हैं, बहुत स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ ही बहुत है इन दोनों में, जो मैं 5 साल में जाना हूँ इनसे मिलके। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता, आमतौर पे हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स जब आते हैं और जब हम उनको बताते हैं कि ये कैंसर है, हालांकि हम बताते हैं कि ये कैंसर है और इसका इलाज हो सकता है मेजर ऑपरेशन से कीमोथेरेपी लगा के, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कैंसर अगर हमारी लाइफ में वर्ड आ गया है तो अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तो ये जीता जागरता हमारे सामने एक उदाहरण है हस्बैंड वाइफ का, कि 2016 में जिस एक सीरियस कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, गैस्ट्रिक कैंसर, कैंसर स्टमक, उसका कितना अच्छे तरीके से सही समय पे सही इलाज मिलने की वजह से आज 6ठा साल चल रहा है बिना किसी दिक्कत के। और ये 6 साल ऐसे कहने में लगते हैं 6 साल, लेकिन जो जिनकी फैमिली में कैंसर निकला है उनको ये कैसे निकला होगा, आइए अब हम ये जानना चाहते हैं। तो हमारा चौथा मैसेज ये है फॉर द ऑडियंस, दैट इवन इफ इट इज कैंसर, प्लीज डोंट लूज होप। एनी डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर हैज अ कैपेसिटी टू किल, प्रोवाइडेड द बेस्ट ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन ऑन टाइम। अगर हम कैंसर का भी सही इलाज सही समय पे करेंगे तो वो किसी भी दूसरी बीमारी की तरह ही हमें उसको डील करना चाहिए। तो जैसे आपका सर्जरी हुई तो आपको ये बताया होगा कि सर्जरी में आपको कोई सोसाइटी में लोग भी मिलते होंगे कि भाई जैसे पता चला रिश्तेदारों को, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, चाहे इलाज के दौरान चाहे ऑपरेशन के बाद घर जाने पर, कि किस तरह के लोग आपसे बात करते थे, वो मोटिवेटिंग होती थी या घबराने वाली होती थी या डिस्करेज करने वाली होती थी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो सब काफी तो मतलब मोटिवेटिव तो 2-4 लोगों की होती थी, डिप्रेसिंग ज्यादा होती थी, अरे
कैंसर, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें तो बढ़ावा हो जाता है। तो मतलब डराने वाली चीजें, पर एक अंदर इतना अटूट विश्वास कि कुछ भी नहीं होना है, सब कुछ सही हुआ है और आगे भी सही होना है, कभी कुछ भी गलत नहीं होना है। तो हमें मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब मतलब कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि जो ठीक ना हो सके। कैंसर आराम से ठीक होने वाली बीमारी है, बशर्ते आप सही जगह पहुंचे, अच्छे सही डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करें और आप खुद से स्ट्रांग रहें, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। तो आपको जैसे लोग मिलने आते थे, तो आपने जैसे बताया कि 3-4% ऐसे होते थे जो मोटिवेटिंग होते थे, लेकिन 95% ऐसे होते थे जो कि क्योंकि उनकी धारणाएं खुद के ही मन में गलत है, तो वो आपको कैसे मोटिवेट करेंगे। तो इसका मतलब 95% लोगों की धारणा ये है कि भाई कैंसर है तो मतलब जान नहीं बचेगी, और वो आपको ये कहने में कहते भी थे, एक्सप्रेस भी करते थे। तो आपको शुरू में तो काफी अपने आप को, जैसे अब तो कहना तो आसान है कि भाई हिम्मत रखना, और हमें टाइम निकलने के बाद हमेशा आसान लगता है, टाइम निकलता हुआ जो है वो मुश्किल लगता है। तो उस टाइम तो आपको कई बार काफी लो फीलिंग आती होगी, काफी डर लगता होगा कि पता नहीं कहीं सच में ऐसी बात सच ना हो जाए। नहीं डॉक्टर, डर नहीं लगता था, नहीं लगता बिल्कुल। मैं मतलब आपको क्लियर बता रही हूँ कि हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, तो मैं पूरी तरह से मतलब हम लोग सभी पूरा परिवार पूरी तरह से डिवोटी हैं। जब मुझे पता लगा, मेरे ब्रदर ने बताया कि जीजा जी को ये प्रॉब्लम है, तो एकदम झटका लगा मुझे कि मतलब, और सभी लोगों को, कि अभी जिन जो बच्चे कभी परेशानी नाम की चीज नहीं देखी जिन बच्चों ने, तो उनको कि भाई तुम्हारे फादर को ये प्रॉब्लम है, तो मतलब कैसे वो बच्चे वो मैनेज करेंगे। पर मुझे इतना अटूट विश्वास डॉक्टर साहब के आज तक भी मुझे, कि कुछ गलत नहीं होना है, कुछ भी गलत नहीं होना है जो है। और ये लाइलाज बीमारी नहीं है, परंतु हमें अपने खाने पीने का भी पूरा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो बीच बीच में मतलब चिड़चिड़ाहट बहुत आती थी, बहुत ज्यादा, मतलब हमें रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं, मतलब मैं, मेरा बेटा और मेरा भाई, ब्रदर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे जो है। तो और फिर सबसे ज्यादा इनकी विल पावर स्ट्रांग, कभी कभी बहुत चिड़चिड़ाते थे तो वो मेरे को समझाता था कि बहन उनके शरीर में खून नहीं है, तो इस बीमारी से निकले हैं वो, तो कोई बात नहीं। पर कई बार थोड़ा सा थक जाते थे जो भी था, तो थोड़ा सा। तो देखिए, आप इससे अंदाजा लगाइए कि आदमी किस फेस से जब निकलता है, तो ये जो डर है हमारे मन में कैंसर नाम का, मैंने आज तक किसी मरीज को, उसके रिश्तेदारों को डायबिटीज होने के बाद ये कहते नहीं सुना, डराते हुए नहीं सुना, ब्लड प्रेशर के बाद डराते हुए नहीं सुना, इवन हार्ट अटैक के बाद, स्टेंट लगने के बाद लोगों को डराते हुए नहीं सुना। लेकिन कैंसर में पता नहीं लोगों की धारणाएं इतनी गलत हैं, इतनी नेगेटिव हैं, कि वो सोचते हैं भाई अगर हम मर सकते हैं तो सिर्फ कैंसर से ही मर सकते हैं, बाकी तो हम अमर हैं। ऐसा नहीं है, जबकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हैं जिनका एक्चुअली कोई इलाज नहीं है, उसको हम दवाई देके सिर्फ कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो तो हमारा एक सोशल स्टेटस सिंबल बन गया है। और कैंसर जिसका इलाज है उसको लेके हम इतने घबरा जाते हैं। तो कैंसर की जर्नी आसान नहीं है, लेकिन उसमें हमारा एक सोशल रोल भी है सोसाइटी का, कि हम ऐसे पेशेंट जो हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबरहुड में लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है, हमें पता लगे, तो हम जब मिलने जाएं, तो हमारे को भी ये मिथ क्लियर करना पड़ेगा अपने मन से कि ये एक डेंजरस बीमारी है और इसकी वजह से जान जाएगी। क्योंकि यही चीज़ हम फिर मरीज को और उसकी फैमिली को जब बोलते हैं, तो वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये तो ठीक है, ये थोड़ा कपल स्ट्रेंथ है। और दूसरी बात, जैसा इन्होंने बताया कि इनको फेथ था अपने भगवान पे, तो एक्चुअली दिस फेथ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू हैव फेथ दैट इट दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड। अब वो भगवान के नाम का फेथ भी हो सकता है, नेचर का फेथ हो सकता है, किसी भी नाम का फेथ हो, पर एक फेथ होना जरूरी है कि ये बीमारी भी, इसको भी हम जीत सकते हैं। तो चतुर्वेदी जी, जैसे अब आप कीमोथेरेपी हुई, तो ऑफकोर्स सर्जरी के बाद आपको कीमोथेरेपी हुई, तो लाइफ नॉर्मल तो नहीं हुई, लाइफ नॉर्मल कीमोथेरेपी के भी 1-2 महीने बाद हुई होगी। तो आपका जैसे नॉर्मल लाइफ, आप प्रोफेशनली क्या करते थे इस बीमारी से पहले? मैं सिंडिकेट बैंक में मैनेजर था। बैंक में मैनेजर था, और ऑपरेशन के टाइम रिटायर हो चुके थे। और जब ऑपरेशन या बीमारी से पहले क्या आपकी दिनचर्या थी? आप कहीं काम करते थे या घर में? तो जब आपका कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई, तो आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने में कितना टाइम लगा? कीमो के दौरान ही नॉर्मल लाइफ में था। अच्छा, वेरी गुड। तो सुबह उठ के अपने दूध पीना, दूध गर्म करना, दलिया बनाना, दालों को चुपा देना, थोड़ा टहलने जाना, फल सब्जी दूध लेकर आना, सब काम खुद ही करता था। अच्छा, तो ये मोटिवेशन आपके मन में खुद ही था या लोगों ने आपको मोटिवेट किया? नहीं, इसमें कमजोरी कोई बात ही नहीं, कुछ हुई नहीं, ठीक है, जो गलत पार्ट था निकाल दिया गया, बीमारी निकल गई, अब क्यों उसके लिए भाइयों को बैठा जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन लकीली ये खुद
ऑटोमेटिक ही समझे हुए हैं कि किसी भी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ट्रीटमेंट, डॉक्टर, हॉस्पिटल, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने माइंड को सेंटर में रखना, स्टेबल रखना, उसको डेविएट ना होने देना चिंता से, अपना नॉर्मल दिनचर्या का काम करना। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो ऑफिस जाएं, अगर आप घर का, जैसे ये रिटायर्ड हैं तो घर का काम करें, जैसे इन्होंने बताया खाना बनाते हैं, वॉक पे जाते थे, दूध, ये जो रूटीन काम है, ये रूटीन काम करना या ऑफिस जाना, ये अपने आप को काम में बिजी रखना इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी। ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम अगर अपने दिमाग को, अपने शरीर को कामों में बिजी रखेंगे तो हमें नेगेटिव थॉट्स आने के चांसेस ना के बराबर हैं। एंड इन एडिशन टू दैट, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू अस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू डील विद एनी प्रॉब्लम्स इफ एट ऑल दे अकर इन आवर लाइफ्स। तो चतुर्वेदी जी, इसका मतलब आप जब से कीमोथेरेपी हुई है तब से आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं? हाँ। और बस हम जब मिलते हैं टेस्ट कराने के लिए, उसके अलावा आपको कोई मेजर क्या माइनर भी प्रॉब्लम नहीं है? और कभी कभी, जैसे अब 5 साल हो गए, कभी कभी ऐसे डर सताता है कि कैंसर हुआ था, कहीं दोबारा ना हो जाए, बिल्कुल हो गया तो क्या होगा? मैं तो हेल्दी लोगों से ज्यादा काम करता हूँ। बंबई में नेहरू पार्क है, संजय नेशनल पार्क, उसमें टॉप चोटी पर अकेला चढ़ गया। अच्छा। बद्रीनाथ हो गया बिना के सपोर्ट के, गंगोत्री हो गया बिना सपोर्ट के। अभी पिछले महीने गोवर्धन के गिरिराज जी की 7 कोस थी, 21 किलोमीटर नंगे पैर पैदल पैदल 2 दिन ना पैर में कोई छाला हुआ ना कोई। अच्छा, एक हमारे फ्रेंड्स के बेनिफिट्स के लिए बताइए, आपकी एज कितनी है? 67। अभी इस एज में इतने सब ट्रीटमेंट के बाद भी आप ये सब कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, द मैसेज इज दैट एज इज शेयर नंबर। जैसे आपने देखा 67 की एज, नंबर वन कैंसर सर्वाइवर 5-6 साल पहले, उसके बाद इतना सीरियस मेजर ऑपरेशन, फिर कीमोथेरेपी, ये सब होने के बाद ये अभी मेंटली इतने स्ट्रांग हैं और ऑफ कोर्स फिजिकली भी स्ट्रांग हैं, तभी तो ये इतनी सारी फिजिकल एक्सरसाइज, जो इधर परिक्रमा और हिल स्टेशन पे जाना, गंगोत्री पे वहाँ की यात्रा करके आना, ये सब ये बताता है कि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ होना हमारे हाथ में है। कैंसर होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको डील कर पाना सही तरीके से वो हमारे हाथ में है। तो फाइनल मैसेज टू, आप कुछ फाइनल मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से हमारे ऑडियंस में कि बीमारी है, इलाज हो गया, बीमारी खत्म हो गई, दिमाग को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गुस्सा कम करिए। कैंसर से कोई आज तक नहीं मरा, बीमारी के नाम से भले ही मर जाए। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे एज अ वाइफ, एज अ फैमिली ऑफ अ कैंसर पेशेंट? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हिम्मत रखें, सपोर्ट करें कैंसर पेशेंट का, और बिल्कुल उसको फील ना होने दें कि आप इस बीमारी से निकले हो। जरा सा भी अगर लगे कि कहीं अंदर से कमजोर है तो बिल्कुल ठीक हो। मैं डायबिटिक हूँ, पर मैं उनको कहती हूँ तुम्हें है क्या, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल हो। और फिर अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो ईश्वर की तो कृपा है, दूसरे हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब। तो फ्रेंड्स, द मैसेज टू यू ऑल इज थ्रू दिस कन्वर्सेशन विद दिस लवली कपल एंड स्ट्रॉन्ग कपल इज दैट वी मस्ट नॉट टेक एडिशनल बर्डन ऑन आर सेल्व्स बाय दिस सिंपल नेम ऑफ कैंसर। इट इज एज ट्रीटेबल एंड एज डेडली अ डिजीज लाइक एनी अदर डिजीज। इवन मलेरिया कैन किल, इवन पीपल कैन बी किल्ड और डाई इवन विदाउट एनी डिजीज लाइक वॉकिंग ऑन अ रोड। सो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी हम पेट के बीमारी के लक्षणों को लाइटली ना लें। कोई भी लक्षण जो है वो कैंसर का अर्ली सिम्टम हो सकता है। अगर 2-3 हफ्ते तक वो सिम्टम हमें परसिस्ट करता है तो प्लीज़ हमें गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। अगर वो फिर भी परसिस्ट करता है तो हमें डिफरेंट डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और इसकी जड़ तक जाके उस बीमारी का पता लगा के उसका सही समय पे सही इलाज कराना चाहिए। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, वंस द ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड, प्लीज मेंटेन योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशनल नीड्स एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट सो दैट यू गेन फिजिकल स्ट्रेंथ टू डील विद दिस डिजीज। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप एंड विश दैट गॉड कीप यू ऑल सेफ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिजीजेस। But if at all, unfortunately, some of you or your known gets trapped into this disease, please take care of getting the treatment at the earliest, at the right place. Thank you very much.